मसीह में आप सबको सलाम। मेरे अजीज बहन भाइयों, खुदावंद आप सबको बरकत दे। काफी दोस्तों ने कहा था कि राग जैत बताएं, और राग जैत में एक गजल है। इस गजल के बारे में भी काफी लोगों ने कहा था कि ये भी बताएं किस राग में है। ये गजल महबूब गिल साहब ने गाई है, ये राग जैत है। तो राग जैत ऐसे है। दूसरा यार, दुआ करें कि तकरीबन क्रिसमस के बाद काम नहीं मिल रहा, तो काम के लिए भी यार आप लोग दुआ कर दें। जरा देखें, जरा राग जो जैत है वो ऐसे है। इसका हम सरगम पलटा भी करेंगे, इस गीत को भी हम देखेंगे, ठीक है, इस गजल को भी। सारे का पध सादा पगरी सारे का रे ग प ग प ध प ध स द प ध प ग प ग रे ग रे स। ठीक हो गया। राग जैत जो है वो फिर एक दफा देख ले। सारे का प ध स स द प ग रे। क्या बात थी और करनी है आप सबसे। तो यार वीडियो चलती नहीं है चैनल पर, मतलब वीडियो मैं डालता हूँ जो भी, वो वीडियो नहीं चलती। तो आप लोग कोशिश किया करें कि आगे शेयर कर दिया करें यार। जाहिर सी बात है, मैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, क्योंकि अभी आपका जो मोबाइल है वो आपके पास है, वो मैं किस तरह मतलब आके उससे शेयर कर सकता हूँ। तो जो बहन भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं वो करके रखें, वो फिर बाद में अनसब्सक्राइब कर देते हैं, तो ये बात अच्छी नहीं है यार। साडा भी कितने 1 लाख ते सब्सक्राइबर पहुँचा दियो, तो तुहाडे नाल ही पहुँचने ने, ठीक है। तो यार देखो जरा हुण केंजे सारे गा रे गा पा गा पा धा पा धा सा धा पा धा पा गा पा गा रे गा पा गा रे सा गजल जो है कुछ इस तरह है। शुरू जो गजल का पेश करूं क्या, पेश करूं क्या तुझको यीशु, तुझ पे क्या कुर्बान करूं दिल में तेरा। देखे जरा दिल तेरा तुझ पे क्या एहसान करूं। ठीक है, मैं लोग तुसी हुण जिन्ने भी हो ना सब्सक्राइबर, सारे मतलब सारे समझदार हो, जिहड़े जिहड़े तो मेरे नाल शुरू तो जुड़े ने, खुदा दी मेहरबानी नाल हुण इस टाइम बहुत अच्छा गा रहे ने, और वो मेरे नालों भी अच्छा गा रहे ने। मेरे लिए बड़ी मतलब कि ना इजाज़ दी गल है कि जिन्हां नूं मैं दसण डिया मेरे नाल भी अच्छा गा रहे ने। सारे गा रे गा पा गा पा धा सा धा पा गा पा धा पा गा रे गा पा गा रे धा पा सा रे। अलंकार का मतलब ये होता है कि आपने जिस तरह जाना है उसी तरह वापस आना है, और अलंकार ऐसे कहते हैं, ऐसे होता है अलंकार। सारे गा रे गा पा गा पा दा सा सा धा पा धा पा गा पा गा रे सा आ आवाज। जिस तरह आप सरगम पलटा करते हैं उसी तरह आप लाभ भी करेंगे, तो आपकी आवाज़ अच्छी और बेहतरीन होगी। ये रियाजत का एक तरीका है,
कि मतलब आपने जब सरगम पलटा करना, आलाप भी उसी तरह ही वापस लेके आना है, लेके जाना है। मतलब उत्तरांग में भी आप जाएंगे, पूर्वांग में भी आप जाएंगे, तो खुदा आप सबको बरकत दे। मेरी तो कोशिश है कि आप सब आगे बढ़े और इस चैनल को भी आगे बढ़ाएं। तो आप सबका शुक्रिया वीडियो पे आने का, आगे शेयर करने का। पता नहीं तुम शेयर कर दे भी कि नहीं, लेकिन भाई फिर भी मेरा तो थोड़े सारे ना शुक्रिया तो अदा बनता है ना। तो कर दिया करो यार, शुक्रिया।